उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। कैनेडियन वजीर आजम का सऊदी वाली अहद को फोन, दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा में जारी संगीन इंसानी सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार। गजा से इनखला करने वाले फलस्तीनियों के लिए आर्जी रिहायशी प्रोग्राम, दरख्वास्तों की वसूली शुरू। वफाकी हुकूमत ने प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा 1000 वीजों तक महदूद कर दिया। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है मुख्तलिफ मयार की 1000 दरख्वास्तें आने के बाद चीज़ों को बंद करना बेमायनी होगा। टोरंटो शहर में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, शहर में तस्सादुम के मुतादित वाकयात रिपोर्ट, हुकाम का शहरियों को एहतियात का मशवरा। अमरीका की 12 रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गईं, 5 लाख सार्फीन बिजली से महरूम हो गए। हफ्ते के अख्तिताम पर दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. सऊदी वाली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर गुफ्तगू की है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वाली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर गुफ्तगू की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में फरोग पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया के मुताबिक इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल, मगरबी किनारे और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने इसराइलियों और फलस्तीनियों के अमन, सलामती और वक़ार के साथ बगैर किसी खौफ के रहने के हक के लिए कनाडा की हिमायत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइलियों और फलस्तीनियों के लिए देरपा अमन के हुसूल के लिए एक रास्ते की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जारी संगीन इंसानी सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस अहमियत पर जोर दिया कि तमाम फरीक बैनुल अक्वामी इंसानी कानून की पासदारी करें, मुतासरा इलाकों तक इंसानी हमदर्दी की रसाई को यकीनी बनाएं और शहरियों की हिफाजत करें। उन्होंने तनाज़े के इलाकाई सलामती के मज़म्मरात और कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। कैनेडियन वजीर आजम ने मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात के हल के लिए काम करने के साथ साथ यूक्रेन के अमन मंसूबे की कोशिशों पर अपनी क़यादत के लिए सऊदी वली अहद का भी शुक्रिया अदा किया। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने गजा में जंग से फरार होने की कोशिश करने वाले फलस्तीनी कैनेडियनों के खानदानी मेम्बरान के लिए अपने खसूसी इमिग्रेशन इकदाम का प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है, मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने गजा में जंग से फरार होने की कोशिश करने वाले फलस्तीनी कैनेडियंस के खानदानी मेम्बरान के लिए अपने खसूसी इमिग्रेशन इकदाम का प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है, जिससे उनमें से 1000 को आर्जी बुनियादों पर यहाँ मुंतकिल होने की इजाज़त दी गई है। प्रोग्राम की वेबसाइट मंगल की सपहर लाइव चली गई। हुकाम का कहना है कि दरख्वास्त दहंदगान के पास अप टू डेट पासपोर्ट और DNA टेस्ट के नतज का होना ज़रूरी है और ये जाहिर करना ज़रूरी है कि उन्हें 1 साल के लिए कैनेडियन शहरी या मुस्तकिल रहायशी के ज़रिए सपोर्ट किया जाएगा। कामयाब दरख्वास्त दहंदगान को 3 साल के लिए आर्जी वीज़ा मिलेगा। हुकूमत ने गजा में गैर मुस्तहकम ज़मीनी सूरत हाल और लोगों को बाहर निकालने में दरपेश रुकावटों का हवाला देते हुए कामयाब दरख्वास्त गुजारों की तादाद 1000 तक महदूद कर दी है। ताहम इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने कहा है कि हुकूमत
कुछ लचक दिखाएगी। उन्होंने कहा मुख्तलिफ मयार की 1000 दरख्वास्तें आने के बाद चीज़ों को बंद करना बेमायनी होगा। कैनेडियन मुसलमानों की नेशनल काउंसिल, जो इस तरह के प्रोग्राम की वकालत कर रही थी, ने कहा कि वो 1000 से ज़्यादा मुमकिन दरख्वास्त दहिंदगान के ख़ानदानों से रबते में हैं। 2022 में रूस के हमले के बाद मुल्क से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों के लिए इसी तरह के प्रोग्राम में 2,00,000 दरख्वास्त दहिंदगान की ज़्यादा तादाद थी। मार्क मिलर ने निशानदेही की है कि कनाडा की हुकूमत ये फैसला नहीं करती है कि गजा से किसको निकलना है। गुज़िश्ता माह इस प्रोग्राम का ऐलान करते हुए उन्होंने मिस्र और इसराइल की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान रफा गेट क्रॉसिंग पर इस्तेमाल किए गए इख्तियार का हवाला दिया। मार्क मिलर ने कहा कि कनाडा को अभी तक दोनों ममालिक की तरफ से ये यकीन दहानी हासिल करना बाकी है कि जो कनाडा इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब करेगा वो सरहद पार कर सकेंगे। टोरंटो शहर में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका की 12 मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। बारिश, बर्फबारी और तूफान के सबब बाज़ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक बर्फानी तूफान के बाइस तकरीबन 5,00,000 सार्फीन को बिजली मैसर नहीं। जॉर्जिया में तकरीबन 50,000 अफराद को बिजली की सहूलत मैसर नहीं। फ्लोरिडा सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 1,00,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। पैसिफिक और नॉर्थ वेस्ट में आंधी और बर्फबारी हो रही है, जबकि ईस्ट कोस्ट के बाद इलाकों को शदीद बारिशों का सामना है। माहरीन के मुताबिक दिसंबर 2022 के बाद यह सर्द तरीन मौसम होगा। इस हफ्ते के अख्तिताम पर दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई की गई है। दूसरी जानिब भारत की कई रियासतें इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जिसके सबब स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत पंजाब में सख्त सर्दी के बाइस तमाम स्कूल 8 से 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए, जबकि शदीद सर्दी के बाइस दिल्ली में 5वीं जमात तक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 जनवरी तक बंद कर दिया गया। भारतीय मीडिया का इस हवाले से कहना है कि रियासत पंजाब में 11वीं और 12वीं जमात के स्कूलों का टाइम तब्दील करके 10 से 3 बजे कर दिया गया है। अमरीका की 12 मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। बारिश, बर्फबारी और तूफान के सबब बाज़ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर में शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। टोरंटो मंगल की रात बारिश के इंतबाह के तहत रहा, जब मौसम सरमा के तूफान ने सूबे के वसी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहा। इन्वायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया कि शहर और आसपास के इलाकों में 20 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर के दरमियान बारिश मुतवक्के है। मौसमियाती एजेंसी ने वार्निंग में कहा कि अहम बारिश मुतवक्के है। ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए मौसम की एक एडवाइजरी, जिसने बर्फबारी और मुमकिन मुंजमद बारिश की वजह से सफ़र के मुश्किल हालात से खबरदार किया था, शाम 4:45 बजे ख़त्म हो गया। टोरंटो और फौरी तौर पर आसपास के इलाकों के ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए मौसम की एक एडवाइजरी, जिसने बर्फबारी और मुमकिन मुंजमद बारिश की वजह से सफ़र के मुश्किल हालात से खबरदार किया था, शाम 4:45 पर ख़त्म हो गया। टोरंटो और फौरी तौर पर आसपास के इलाकों के लिए सुबह के वक्त आने वाली बर्फ़ शाम को बारिश में बदल गई, जब दर्जा हरारत बढ़ गया। नतीजा फुटपाथों और सड़कों पर गंदगी की सूरत में निकला। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।